हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करी और वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत सारे साइंटिस्ट की डिस्कवरीज पर मबनी था। आज आप जो बात करेंगे वो आप थोड़ा सा टॉपिक की तरफ अपने आप को लेकर आएंगे, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे आने से पहले जरा आप एक चीज समझ लीजिए कि वर्ड पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ देर बाद अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं बेटा, रिपीट कर रहे हैं, सही है। तो उस फिनोमिना को, यानी रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज को, आप क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर वही बात आ जाती है कि कब कब एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को बेटा रिपीट करेंगे। जब भी एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल आ जाए, जैसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या हुआ था, हर सातवें एटम के बाद जब आठवां एटम आ रहा था तो वो और पहले एटम की प्रॉपर्टीज बेटा कैसी हो रही थी, सिमिलर हो रही थी, यानी एक रेगुलर इंटरवल आ रहा था हर सातवें एटम के बाद आठवां एटम। इसी तरीके से जब भी रेगुलर इंटरवल आए और उसके बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाए तो उसको आप क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहीं पर जरा इस फिनोमिना को हम क्या करते हैं, समझते हैं, और इस फिनोमिना से अपने पीरियोडिक टेबल पे आने से पहले जरा हम दो मेजर डेफिनेशंस को समझते हैं जहां पर बहुत सारे बच्चों को हर तरीके से मसला होता है, ठीक है। सबसे बेसिक कंफ्यूजन क्या होती है कि बेटा एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, और इन दोनों की आप अगर स्टडी को सही से समझ जाते हैं तो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ एन एटम पे से आपका ग्रिप मजबूत हो जाएगी, ठीक है। आइए बेटा पहले बात करते हैं आप एटॉमिक मास की, ठीक है। एटॉमिक मास के लिए आप सबसे पहले देखें कि आपके पास एक अदद क्या है, एटम है, सही है। और हम में से किसी ने भी आज तक रियल लाइफ में एटम को नहीं देखा होगा, तो आइए आज मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से एटम को दिखाता हूं। आपके पास एक अदद एटम है, सही है। आपने एटम को आज तक नहीं देखा, लेकिन हम सब सुबह नाश्ते में कभी ना कभी तो हमने क्या खाया होगा, आपका हाफ फ्राई एग, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी ने भी अपनी जिंदगी में हाफ फ्राई एग नहीं खाया हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपका जो एटम है उसका स्ट्रक्चर बहुत 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 रिजेंबल करता है किससे, आपके अंडे से, ठीक है। अब यहां पर वही बात आ जाती है, अगर आप दो डेफिनेशंस को मिलाएं तो सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ एन अंडा इज कॉल्ड जर्दी, ठीक है। तो अंडे का सारा जो है वो मास कहाँ होगा, अंडे का सारा मास कहाँ पर होगा बेटा, उसकी जर्दी में। एंड सिमिलरली जिस तरह जर्दी न्यूक्लियस के बराबर है तो एटम का भी सारा का सारा मास कहाँ पे होगा बेटा, उसके न्यूक्लियस में। और अगर आप देखें तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सी दो चीजें मौजूद है, एक अदद न्यूट्रॉन है और एक अदद प्रोटॉन है, ठीक है। अब जब ये दो चीजें एटम के न्यूक्लियस में मौजूद हैं तो आप अगर उन दोनों की तादाद को सम कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एटॉमिक मास। अब याद रखने के लिहाज से सबसे अहम बात यह कि मास को समझ जाइए, मास क्या है, अंडे का मास कहां पर होता है, उसकी जर्दी में। अब एटम किसकी तरह दिखता है, अंडे की तरह, तो एटम का भी सारा मास कहां पर होगा, उसके न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अगर आप न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद को यहां पर सम करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास, ठीक है। अब इसी में से जो दूसरी चीज है वो क्या है आपका बेटा, एटॉमिक नंबर, सही है। अब एटॉमिक नंबर को याद रखने के लिहाज से सबसे आसान चीज ये है कि भाई आपके पास एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास में कौन मौजूद है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसी में से आप प्रोटॉन की तादाद को निकाल के कहां प्लेस कर दें, एटॉमिक नंबर में, तो वो आपका क्या बन जाएगा बेटा, एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है भाई। ये क्या बन गया, एटॉमिक नंबर, ये क्या बन गया, एटॉमिक मास। अब यहां पर आप इन दोनों चीजों को मिक्सअप नहीं करिएगा काइंडली, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे जब हम जाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर्स की स्टडी के लिहाज से आप आगे जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मॉडल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल्स को कैसे स्टडी करेंगे।